हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी SSR 1400 पोस्ट के लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप आज मैं लाइव फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई मिस्टेक ना हो। इस बार दोस्तों इंडियन नेवी की अप्लाई प्रोसेस बिल्कुल बदल दिया गया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस बार दोस्तों सभी कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन एग्जाम के बेस पे होगी दोस्तों। तो चलिए मैं इसका शुरू करता हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको सरकारीRESULT.COM का जो वेबसाइट है उस पर आ जानी है। देखें, उस पर आ जाने के बाद उसका मैं लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आ जाने के बाद देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट डेट का बात करेंगे तो इसका स्टार्टिंग डेट है जो 8 दिसंबर 2022। अप्लाई कर सकते हैं IT। इसका लास्ट डेट 17 दिसंबर 2022 तक रखा गया है। यहाँ अप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो सभी कैटेगरी का जो पेमेंट है यहाँ वो 550 रुपया पे करना पड़ेगा। जिसमें एज लिमिट की बात करेंगे दोस्तों तो देखेंगे यहाँ जिसका 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच में है वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल पोस्ट 1400 पोस्ट है। एंड इसका एलिजिबिलिटी जो है से अनमेरिड कैंडिडेट्स मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में साइंस स्ट्रीम आपको होना चाहिए दोस्तों। अब स्क्रॉल नीचे करना है, मैं अप्लाई प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखें अप्लाई लिंक का ऑप्शन सिंपली क्लिक है पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक कर देने के बाद अगर आप मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ऊपर में राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड में कर लेनी है। डेस्कटॉप साइड में कर लेने के बाद देखेंगे ऊपर में यहाँ न्यू यानी कि रजिस्टर का ऑप्शन सिंपली दिखाई दे रहा है, आप वो ई रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद देखेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे यहाँ फर्स्ट में जो है सर योर ईमेल, आपको यहाँ ईमेल आईडी डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उस पर OTP जाएंगे और वहाँ से वेरीफाई भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेम डाल देनी है जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार मेल नेम डालेंगे, यहाँ फादर नेम डालेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ इंडियन जो नेशनलिटी है आपको इंडियन यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। और जो कप्चा दिखाई दे रहा है सिंपली आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है, और जो रजिस्टर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक कर देने के बाद आपको दोस्तों यहाँ जो बताया जा रहा है यू हैव सक्सेसफुली साइनड ऑफ हैव बीन सेंड टू वेरीफिकेशन लिंक टू, यहाँ आपको मेल पर एक OTP जाएगा, एक लिंक जाएगा दोस्तों, वहाँ से आपको वेरीफिकेशन करना है। तो चले मैं डायरेक्टली यहाँ से मैं मेल पर जाता हूँ। देखें मैं दोस्तों यहाँ मेल पर आ गया हूँ। मेल पर आ जाने के बाद देखेंगे यहाँ जो क्लिक हेयर का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है जो क्लिक हेयर का, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। एडिट से क्लिक कर देने के बाद आपको जो आपको ले जाएगी आपको वेबसाइट पे ही, यहाँ देखेंगे क्लिक कर देने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे यहाँ आपको जैसे ईमेल आईडी जो है से वेरीफिकेशन सक्सेसफुली हो गया, आपको यहाँ से मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेनी है। तो जो देखेंगे आपको जो मोबाइल नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है और जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है सिंपली इन बॉक्स में फिलअप करेंगे, एड जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखेंगे आपको मोबाइल पर एक OTP जाएगा 6 डिजिट का, आपको यहाँ फिलअप करना है। वो OTP फिलअप कर देने के बाद आपको यहाँ एक पासवर्ड बना लीजिए दोस्तों, जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनानी है। पासवर्ड में आपका होना चाहिए एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए और एक स्मॉल लेटर में भी होना चाहिए। जैसे कि देखेंगे यहाँ मैक्सिमम साइज जो कि 20 करेक्टर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना। जैसे कि आपका नाम है आकाश, तो मैं देखिए मैं बताता हूँ किस प्रकार आपको बनाना है। जैसे फर्स्ट लेटर आकाश लिखेंगे कैपिटल, फिर इस प्रकार आपको लिख देनी है आकाश, फिर एट द रेट या हैच कुछ भी दे दें, अब अपने अकॉर्डिंग नंबर दे दीजिए दोस्तों। इस प्रकार अपना पासवर्ड बना सक लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड बना लेने के बाद जो एक कैप्चा का दिख रहा है सिंपली इन बॉक्स में फिलअप करेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल एंड ईमेल दोनों वेरिफिकेशन फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट पर ले चल जाएगी। तो यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाने के बाद डायरेक्ट यहाँ से आपको यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया वो न्यू पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सिंपली इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और लॉगिन का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप डायरेक्टली जो है से अप्लाई प्रोसेस के फाइल पर आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप क्लिक हेयर टू फाइल डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस आपका यहाँ जो होता है पर्सनल डिटेल्स, आपको यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है। तो सभी को यहाँ फर्स्ट में देखेंगे यहाँ आपको आधार नंबर फिलअप करना है, जो भी आपका आधार नंबर है वो फिलअप करेंगे। और इसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपका दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। एट यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के अनुसार जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सिंपली चूज कर लेनी है। उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे फर्स्ट नेम आपका जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम लिखेंगे। मिडिल नेम है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, लास्ट नेम दे सकते हैं। उसको देखेंगे यहाँ पेरेंट नेम फिर से दोबारा से देना है, गार्जियन नेम देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो सोच सकते हैं। इसके बाद जेंडर को आप चूज कर लेंगे, जो भी मेल फीमेल दोनों है वो चूज करेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपका चेहरे पर जो भी कट का निशान है या तिल वगैरह जो भी है कट्टा छटा निशान वो इस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नंबर वन में देंगे, यहाँ सेकंड नंबर में देंगे। दो को आपको यहाँ मार्क्स देना है, मार्क जो भी आपका मार्क है वो दो को दे देंगे। मेटल स्टेटस पर क्लिक करेंगे, एट यहाँ से आप मैरिड है अनमैरिड अनमैरिड कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ अपलोड फोटोग्राफ, यहाँ देखेंगे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का डॉक्यूमेंट का अपलोड हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट में फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, सेकेंड में सिग्नेचर अपलोड करना है, थर्ड में रेसिडेंट प्रूफ जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देखेंगे यहाँ फोटोग्राफ का जो साइज जो मांगा जा रहा है वो मैक्सिमम आपको 100 KB से कम होना चाहिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट JPG PNG में होना है। सिग्नेचर का साइज जो है सो मैक्सिमम जो है सो 50 KB से कम ही होना चाहिए और इसका भी फॉर्मेट JPG और PNG में होना चाहिए। रेसिडेंट्स प्रूफ का जो है फॉर्मेट वो मैक्सिमम साइज 300 KB के बीच होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका भी साइज JPG PNG में होना चाहिए। एक बात और दोस्तों, जो अपलोड फोटोग्राफ का जो है वो फोटोग्राफ यहाँ मांगा गया है जो कि फोटो पर ब्लैक स्लेट के साथ उस पर आपका नाम एंड डेट लिखा होना चाहिए, जो सितंबर से पहले होना चाहिए, नवंबर दिसंबर का डेट उस पर होना चाहिए। तो सभी फोटो को अपलोड कर देने के बाद जो देखेंगे यहाँ जो सेव का आपको ऑप्शन दिखा दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पास दोस्तों पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, जो सक्सेसफुली है। अब आपको जो कम्युनिकेशन डिटेल्स का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो ओपन होगी वो एड्रेस का होगा, जो आपको यहाँ से 12 दे देना है। फर्स्ट में लाइन एड्रेस नंबर 1 यहाँ पर देंगे, विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन जो भी आपका है वो देंगे, एड्रेस नंबर 2 भी देंगे जो कि आपका अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस हो देंगे। उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को आपको चूज कर लेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करेंगे। उसके बाद पिन कोड, आपका एरिया का जो भी पिन कोड है वो अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस आपका दोनों सेम है, तो जो सेम का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर का सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपका दोनों में एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस सेलेक्ट कर देने के बाद आपको सेव का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे तो दोस्तों आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स भी है जो सक्सेसफुल हो चुका है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे। उसके बाद जो देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे यहाँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से देनी है। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक का ऑप्शन दे रहा है सिलेक्ट करा, वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको देना है जो तो SSR का जो पोस्ट है वो 12th साइंस पर है, तो आपको जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो आप सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हाईएस्ट स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको चूज नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद इंटर मार्क्स ऑफ डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, एट इसका आपको यहाँ से दे देनी है। 12th देखेंगे यहाँ जो बताया जा रहा है 10th स्टैंडर्ड 12th फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो भी अपने अकॉर्डिंग है वो देंगे। उसके बाद 10th एंड 12th अदर देन साइंस। अब यहाँ दो पोस्ट है आपको दोस्तों, जो कि एक SSR का है एक MR का है। तो MR का जो है वो 10th स्टैंडर्ड पर है और जो SSR का है वो 12th स्टैंडर्ड पर है। तो आप 12th स्टैंडर्ड पर सिलेक्ट करेंगे तो आप SSR और MR दोनों का फॉर्म फिल आप एक साथ कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी है वो चूज कर लेंगे।
उसके बाद देखेंगे यहाँ प्रोसीड टू फिलिंग मार्क डिटेल पर क्लिक कर देना है। सारा डिटेल डाल देने के बाद जो आपको देखा था प्रोसीड टू फिलिंग मार्क्स डिटेल, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपका देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पर जाता है एग्जामिनेशन चॉइस, एग्जामिनेशन सिंटी आपको चॉइस करना है तो आपको सीधे नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे नहीं यहाँ आपको क्वालिफिकेशन का डिटेल डाल देने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ पास आपको मार्क्स डालना है, मार्क्स डिटेल जो अपने अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन डाला है उसका मार्क्स डिटेल डालना है। तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे यहाँ टेंथ स्टैंडर्ड का मार्क्स डालना है, तो टेंथ में देखेंगे यहाँ फर्स्ट में आता है इंग्लिश। अगर इंग्लिश में आपका जितना भी मार्क्स का जो एग्जाम हुआ, मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्जाम हो तो सिंपली में 100 लिखेंगे, और आपका जितना भी मार्क्स आया है मान लीजिए 100 में 50 आया है तो इसमें 50 लिख देंगे। उसी प्रकार से में यहाँ लैंग्वेज यानी कि हिंदी में आपका जितना भी मार्क्स जितना नंबर का एग्जाम हुआ तो और लिखेंगे, कितना मार्क्स आया मान लीजिए 60 आया 75 आया और ऑप्शन मार्क्स में लिखेंगे, उसी प्रकार सही में लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ नीचे जो है ये सब कंपलसरी नहीं है, ये सब आप अगर आपके सब्जेक्ट में है तो आप दे सकते हैं और नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सारा सब्जेक्ट के चलिए मैं लिख के बताता हूँ। देखिए दोस्तों मैं यहाँ मार्क्स डाल दिया हूँ जो कि 10th क्लास का, आप इस प्रकार अपने अकॉर्डिंग मार्क्स डालेंगे। मार्क्स डालने के बाद यहाँ देखें टोटल आपका यहाँ वो नंबर आएगा वो रहेगा और टोटल कितना आपका मार्क्स आया वो रहेगा आपका, और यहाँ आपको परसेंटेज भी आपको दिखा देगी दोस्तों का आपका कितना परसेंटेज है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ देखेंगे सीरियल नंबर ऑफ 10th मार्क्स, आपका मार्कशीट का जो भी सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ लिख देनी है, जो कि मार्कशीट में फोटो के ऊपर आपका सीरियल नंबर रहेगा वो लिख देनी है। अब आपको यहाँ बोर्ड कॉन्डक्ट 10th एग्जाम आपका कहाँ एग्जाम किस बोर्ड से हुआ है वो बोर्ड आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपका बोर्ड हुआ है। उसके बाद देखेंगे स्टेट आपका यहाँ से कौन सा स्टेट है वो स्टेट आपको चूज कर लेनी है। स्टेट चूज करने के बाद देखेंगे यहाँ नीचे स्टेट ऑफ कॉन्डक्ट एग्जाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी आपको चूज कर लेनी है स्टेट ही। और यहाँ से आपको एजुकेशन जो भी आपका स्कूल है आप 10th क्लास कहाँ से पास किए वो स्कूल नेम लिखेंगे यहाँ से, और यहाँ से आपको एक 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट और मार्कशीट यहाँ आपको अपलोड कर देनी, जो कि मैक्सिमम साइज PDF 300 KB का होना चाहिए और PDF रूप में होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको PDF में कन्वर्ट करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैं लिंक दे दूंगा, आप डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देने डॉक्यूमेंट को दोनों को अपलोड कर देने के बाद सबमिट 10th मार्क्स पर क्लिक कर देंगे। सबमिट कर देने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ 10th क्लास का जो है सो यहाँ सक्सेसफुली दिखाई दे रही है, जो कि 10th मार्क्स डिटेल्स अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद आपका 12th क्लास का यहाँ डिटेल डालना है, देखेंगे यहाँ राइट साइड में जो कि 12th क्लास का उसी प्रकार डाल सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था 100 नंबर 100 मार्क्स जो भी। उसके बाद ऑप्टन मार्क्स यहाँ देंगे जितना आपका कितना मार्क्स आया वो देंगे। उसके बाद सारा डिटेल आपको डालना है यहाँ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अपने अकॉर्डिंग जो भी है आपका वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ परसेंटेज आ जाएगी, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ सीरियल नंबर आपका डाल देने हैं जो भी आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो डाल देंगे। एट यहाँ आपको सिलेक्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद कंडक्ट ऑफ एग्जाम किस स्टेट में हुआ था वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ स्कूल का नाम लिख देंगे जो भी आपका स्कूल का नाम है, इंटरमीडिएट का स्कूल कॉलेज जो भी आपका है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ बोर्ड ऑफ कॉन्डक्ट 12th यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको किस बोर्ड से एग्जाम हुआ है 12th क्लास का वो बोर्ड चूज करेंगे। एंड यहाँ से आपका 12th क्लास का जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ अपलोड कर देनी है, इसका भी साइज 30 KB से कम होना चाहिए, ये भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। सारा अपलोड कर देने के बाद आपको सबमिट 12th मार्क्स डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ 12th का भी डिटेल डाल देने के बाद आपको जो देखें ऑप्शन एग्जामिनेशन सिंटी चॉइस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद देखेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा दिक्कत आपको होगी। यहाँ देखेंगे नीचे आएंगे, यहाँ आपको स्टेट चूज कर लेने एग्जामिनेशन प्रिफ्रेंस किस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हो, एग्जामिनेशन सेंटर आपको स्टेट आप फर्स्ट में चूज कर लेंगे। उसके बाद सिटी आपको चूज कर लेने हैं जिस स्टेट में जिस सिटी में आपका एग्जाम चाहिए वह सिटी चूज करेंगे। उसके बाद प्रिफ्रेंस ऑफ सेकेंड यानी कि सेकेंड एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है, कहाँ आप देना चाहते हैं वो चूज कर लेंगे। एट यहाँ
सिटी आप चूज कर लेंगे। उसके बाद थर्ड आता है, थर्ड प्रेफरेंस आप कहाँ देना चाहते हैं वो भी आप चूज कर लें अपने अकॉर्डिंग, एंड यहाँ सिटी को चूज कर लें। चूज कर लेने के बाद आपको सेव का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको कंटिन्यू टू ओके पर क्लिक करेंगे। ये चूज हो जाने के बाद आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली आपको यहाँ क्लिक कर देनी है। यहाँ क्लिक कर देने के बाद आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो ओपन होती है। उसके बाद देखिए फर्स्ट में जो आपका यहाँ पूछ रहा है डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो सिंपली यस पर क्लिक करेंगे और जो इसका मांग रहा है यहाँ आपको डिटेल उसका फिलअप करना है। अगर आपके पास नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकेंड में आता है डू यू नो स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग आती है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो सिंपली इसे भी नो कर देना है। उसके बाद स्पॉन्सर कैंडिडेट्स, अगर आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट डिटेल आता है, वो आपको यहाँ एडिशनल क्वालिफिकेशन आपका हो गया तो आपको सीधे आपको एमआर प्रेफरेंस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है देखिए आपको ये सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, देखेंगे यहाँ यहाँ आपको प्रेफरेंस चूज कर लेनी है दोस्तों। कौन सा प्रेफरेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि जो तीन पोस्ट है दोस्तों, तीन पोस्ट में आपका कौन सा पोस्ट चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ प्रेफरेंस नंबर सेकंड में भी वो चूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद थर्ड में भी चूज कर लेंगे जो भी आपको चाहिए वो चूज कर लेंगे। उसके बाद चूज करने के बाद जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। ये चूज कर लेने के बाद आपको आता है नेक्स्ट प्रोसेस और जो है सो आपको यहाँ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपका नीचे स्क्रॉल करना है, देखेंगे स्क्रॉल करेंगे एंड आपको यहां से चॉइस जो दो पोस्ट है, पहले मैं बता चुका हूं दोस्तों कि एमआर और एसएसआर का साथ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जिसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए देखेंगे। फर्स्ट में आता है अग्निवीर जो है सो एमआर, इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, और नहीं तो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर भी क्लिक करेंगे। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसका मैं पेमेंट देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि कुल टोटल पेमेंट जो कि जीएसटी जोड़ के आपका एमआर के लिए 649 रुपया, एसएसआर के लिए 649 रुपया ही है दोनों के लिए। आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, और नहीं तो दोनों पर करना चाहते हैं तो दोनों पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देना आपको दोस्तों। यहाँ से आपको चूज कर लेनी है पेमेंट मोड एंड यहाँ पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस आपका जो कि पेमेंट गेटवे पर ले जाएगी आपको। उसके बाद आप जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, उसका देखिए यहाँ जीएसटी जो है यहाँ जुड़ा हुआ है, तो जिस भी माध्यम से जैसे क्रेडिट कार्ड मास्टर यूपीआई से भी है, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ही करें क्योंकि यूपीआई से पेमेंट फंसने का ज्यादा चांस होता है। तो जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और सिंपली आपको पेमेंट गेटवे पर ले जाएगी जो कि कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखें नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ जिस भी माध्यम से आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं सिंपली उसका यहाँ जो है सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन चूज कर लेंगे जिस भी माध्यम से आपका है वो चूज करेंगे। अरे यहाँ कार्ड नंबर आपको फिलअप कर देनी है एंड यहाँ कार्ड होल्डर नेम आपका जो भी कल अभी एटीएम पर नेम है वो नाम चूज करेंगे। यहाँ एक्सपायरी डेट चूज करेंगे, मंथ ईयर जो भी है। उसके बाद सीवीवी नंबर जो 3 डिजिट का होता है सीवीवी नंबर चूज करेंगे एंड यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। पे नाउ पर क्लिक कर देने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है दोस्तों। उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगी, वो आपको प्रिंट आउट रख लेनी है दोस्तों। तो आप इस प्रकार इंडियन नेवी एसएसआर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक के, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दिया हूं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों नए अंदाज के साथ। थैंक यू दोस्तों।